गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू बीवीएन ऑनलाइन क्लासेस। हम क्लास नाइन्थ में चैप्टर ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं। ग्रेविटेशन में अपन ने थ्रस्ट एंड प्रेशर के बारे में पढ़ लिया। तो बेटा थ्रस्ट क्या होता है? थ्रस्ट होता है किसी सरफेस पे या किसी एरिया पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है उसको अपन क्या कहते हैं बेटा? थ्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रस्ट। तो द टोटल फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर ऑन ए सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। सिंपल है। तो थ्रस्ट एक फोर्स ही है, तो जो फोर्स की एसआई यूनिट होगी वही थ्रस्ट की एसआई यूनिट होगी। फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन। वही थ्रस्ट की एसआई यूनिट होगी न्यूटन। तो थ्रस्ट क्या होता है बेटा? जो किसी एरिया पर परपेंडिकुलर जो फोर्स लगता है, किसी एरिया पे परपेंडिकुलर जो फोर्स लगता है उसको अपन क्या कहते हैं बेटा? थ्रस्ट कहते हैं। फिर अपन ने पढ़ा था प्रेशर। प्रेशर क्या होता है बेटा? प्रेशर होता है किसी यूनिट एरिया पर परपेंडिकुलरली जो फोर्स लगता है, है ना, किसी यूनिट एरिया पे परपेंडिकुलरली जो फोर्स लगता है उसको अपन क्या कहते हैं? प्रेशर। और परपेंडिकुलरली फोर्स को अपन ने अभी बोल पढ़ा था, अभी नाम दिया था, क्या नाम दिया था? थ्रस्ट। तो इस डेफिनेशन को अपन ऐसे भी कह सकते हैं, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। ये तो है कि परपेंडिकुलरली किसी यूनिट एरिया पे जो फोर्स लगता है उसी को अपन क्या कहते हैं? प्रेशर। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या हो गया? थ्रस्ट अपॉन एरिया। थ्रस्ट अपॉन एरिया, या थ्रस्ट की जगह अपन फोर्स भी लिख सकते हैं क्योंकि थ्रस्ट और फोर्स एक ही बात है। तो फोर्स अपॉन एरिया या थ्रस्ट अपॉन एरिया क्या हो गया? प्रेशर का फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में आपको दिख रहा होगा कि जैसे जैसे अपन एरिया को इंक्रीज करते हैं, क्योंकि प्रेशर और एरिया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली क्या है? प्रोपोर्शनल। जैसे जैसे अपन एरिया को इंक्रीज करते हैं प्रेशर क्या हो जाता है बेटा? डिक्रीज हो जाता है। और अगर प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो एरिया क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और प्रेशर की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है बेटा? पास्कल। ये मैंने बताई थी। अब आगे है इसके अंदर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ प्रेशर्स। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ प्रेशर, फर्स्ट है, ए कैमल वॉक्स इजली ऑन द सैंडी सरफेस देन ए मैन इन स्पाइट of the fact that a camel is much heavier than man। तो ये क्यों होता है, इसका कारण क्या है? तो आपने कैमल के फीट देखे होंगे। कैमल के फीट की जो सरफेस है, कैमल का जो सरफेस है मतलब नीचे वाला जो हिस्सा है वो ज़्यादा चौड़ा होता है किससे? आदमी के पैरों के सरफेस से। और एरिया अगर ज़्यादा है, कैमल के पैरों का जो एरिया ज़्यादा है, फीट का जो एरिया ज़्यादा है, तो उस पर प्रेशर कम लगेगा। वो प्रेशर कम एग्जर्ट करेगा सरफेस पे। अगर प्रेशर कम एग्जर्ट करेगा मतलब सैंडी सरफेस, उस पर प्रेशर कम एग्जर्ट करेगा तो उसको चलने में दिक्कत नहीं आएगी। यही है। दिस इज़ बिकॉज द एरिया ऑफ कैमल फीट इज लार्ज एज कंपेयर्ड टू द एरिया ऑफ मैन फीट। सो द प्रेशर एग्जर्ट बाय ए कैमल, ऑन द सैंड सरफेस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द प्रेशर एग्जर्ट बाय ए मैन। हेंस कैमल कैन वॉक द रन ईजली ऑन द सैंडी सरफेस। ये मैंने बता दिया कि कैमल के फीट का जो एरिया, सरफेस एरिया, वो थोड़ा लार्ज होता है, थोड़ा बड़ा होता है, तो वो सैंडी सरफेस पे या सरफेस पे प्रेशर कम एग्जर्ट करेगा। प्रेशर कम एग्जर्ट करेगा तो वो आसानी से चल सकता है। जबकि कम फीट वाले एरिया, जिस फीट का एरिया कम होता है, वो ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट करेगा तो उनको चलने में दिक्कत आएगी। फिर है सेकेंड, ए शार्प नाइफ इज अ मोर इफेक्टिव इज कटिंग द ऑब्जेक्ट देन ए ब्लंट नाइफ। तो शार्प नाइफ, जिसका मतलब जिसका एरिया क्या हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा। एरिया कम हो जाएगा तब अपन इस पर नाइफ पे थोड़ा सा भी फोर्स एग्जर्ट करेंगे तो वो प्रेशर ज़्यादा एग्जर्ट करेगा। ए शार्प नाइफ कट ऑब्जेक्ट बेटर बिकॉज ऑफ ए वेरी थिन एज। क्योंकि शार्प नाइफ है तो उसकी एज क्या हो जाएगी बेटा? थिन हो जाएगी। मतलब उसका एरिया क्या हो गया? कम हो गया। अगर एरिया कम हो गया तो प्रेशर ज़्यादा एग्जर्ट करेगा। अगर अपन थोड़ा सा भी फोर्स लगाएंगे उस नाइफ पे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट करेगा दूसरे ऑब्जेक्ट पे। इससे वो क्या होगा, किसी भी जैसे सब्जी फ्रूट्स इनको आसानी से वो क्या कर सकते हैं?